Hey guys, welcome back to my channel. If you're here for the first time, then please do consider subscribing and hit that notification bell right beside the subscribe button. अभी Shein बंद हो जाने के बाद many people are wondering कि कौन से Indian brand से हमें clothes लेने चाहिए which are fashionable, stylish. Brands आपको clothing pieces provide करते हैं, उसको आप कैसे innovative तरीके से style करते हो, it is up to you. So आज मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी एक ब्रांड को जो है फैब एली. तो मैं उनके वेबसाइट पे गई थी एंड देयर वाज अ ह्यूज सेल गोइंग ऑन देयर. इट वाज 50-80% ऑफ. तो मैंने सोचा उधर से कुछ पीसेस लेते हैं. सो लेट्स हॉप ऑन इनटू द वीडियो. ऑर्डर प्लेस करने से और डिलीवरी होने तक 10-15 days तो लगा होगा. सो व्हेन इट केम आई वॉज रियली एक्साइटेड बिकॉज फर्स्ट See this box. How cute is this box? ऊपर से लिखा है Fab Ali slash India. I think ये दोनों ब्रांड्स का कोलैबोरेशन है इस वेबसाइट पे. तो अगर इस वेबसाइट पे आप जाते हो, आपको डैशबोर्ड में ऐसे Fab Ali slash India दिखाई देगा. इंडिया में आप एथनिक पीसेस चूज कर सकते हो और Fab Ali से आप वेस्टर्न वेयर चूज कर सकते हो. तो जो पहला पीस मैंने लिया है Fab Ali से वो है ये टॉप. स्ट्रैपी टॉप है एंड इसमें ऐसे जिग जैग फ्रंट से पैटर्न है. तो अगर आप इस थ्रेड को ऐसे पुल करते हो तो ये आपके बॉडी को सामने से ऐसे फिटिंग्स देगा. आप इसको एडजस्ट कर सकते हो. और आप देख सकते हो ये एक पेपलम टॉप है. तो इट्स वेरी नाइस फॉर गर्ल्स लाइक मी हु हैव अ पेयर शेप्ड बॉडी. अगर मैं इसके फिट में आऊँ, इट हग्स योर बॉडी क्वाइट नाइसली. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे तरह के टॉप्स कोई भी बॉडी टाइप पहन सकते हैं. इसका मटेरियल बहुत ही थिक है एंड फ्लोई है. एट द प्राइस पॉइंट दैट आई हैव गॉट इट, इट्स रियली नाइस. आई विल लिंक ऑल दीज आइटम्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो इंक्लूडिंग देयर प्राइजेस. इसके कलर के ऊपर आओ तो कलर बहुत ही प्यारा है. आप देख ही सकते हो एकदम से बेबी पिंक कलर का है, ब्लश कलर का है. बहुत ही सुंदर लग रहा है. एंड ये टॉप बहुत ही कंफर्टेबल है. अगर मैं इसके स्टाइलिंग फैक्टर के ऊपर आऊँ कि एक शर्ट अंदर से लेयर करके इसको पहन सकते हैं, नॉट ओनली अ शर्ट, इसके अंदर टी शर्ट पहन सकते हैं, हॉल्टर नेक टॉप्स पहन सकते हैं. इसको अगर मैं पैंट के ऊपर आऊँ तो जीन्स पलाजो स्ट्रेट फिट ट्राउजर्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं. मतलब दिस इज अ वर्सेटाइल पीस. तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी जब भी आप कोई टॉप ले रहे हो वेबसाइट से, चेक आउट कि वो एक वर्सेटाइल पीस हो. कीप इन माइंड सर्टेन फैक्टर्स. एक तो है उसका मटेरियल, सेकंड उसका फिट. मॉडल को आप अच्छी तरीके से देखो कि उसको कैसे फिट हो रहा है. थर्ड उसका कलर. कलर तो आपका चॉइस है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती. एंड द लास्ट इज उसका स्टाइल फैक्टर, मतलब आप किस किस तरह से उसको स्टाइल कर सकते हो. मैंने जब इसको मॉडल को पहनते हुए देखा था, मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था एंड आई इमीडिएटली पुट इट इन माय कार्ट. तो अगर मैं इसके फिट के ऊपर आती हूँ तो पेपलम स्टाइल का है, तो वेस्ट तक ये फिटिंग्स होता है, देन ऐसे फ्लेयर्ड अप हो जाता है. तो इट्स परफेक्ट फॉर पीपल हु हैव अ पेयर शेप बॉडी. फिटिंग्स में ये बहुत ही अच्छा है. जनरली जो इशू होता है ऐसे ऑफ शोल्डर टॉप्स के साथ कि ये इधर ऊपर जाता है या नीचे जाता है, वो इस टॉप में बिल्कुल ही नहीं है. फिटिंग्स में बहुत ही सुंदर है. इसके मटेरियल के ऊपर आओ तो अगेन ये वो पिंक कलर का जो टॉप है उसके तरह ही मटेरियल है इसका भी. इट्स क्वाइट थिक. इट विल हाइड द लिटिल बम्प्स हियर एंड देयर. तो आप इसको निश्चिंत होके पहन सकते हो. स्टाइलिंग फैक्टर के ऊपर आओ तो अगेन आप इस टॉप के साथ तो जीन्स पलाजो स्ट्रेट फिट पैंट्स आप कुछ भी इसके साथ स्टाइल कर सकते हो. ये टॉप आने के बाद मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ये पर्ल्स गिर जाएंगे कि नहीं, लेकिन दीज पर्ल्स इनको सिलाई नहीं किया है, लिटरली इसको इनग्रेव किया हुआ है. सो दिस आर द पर्ल्स एंड इसके पीछे अगर आप देखोगे तो वो मेटल ऐसे इधर पे
अटका हुआ है तो देर इज नो फियर ऑफ दीज पर्ल्स फॉलिंग आउट. मैं सच बता रही हूँ दोस्तों, इस बार शॉपिंग करने के टाइम लिटरली आई थिंक पेप्लम ही मेरे दिमाग में घूम रहा था, आई डोंट नो हाउ, बट आई जस्ट नाउ रियलाइज कि जितने भी टॉप्स मैंने मंगवाए हैं वो सब पेप्लम स्टाइल के हैं. दिस इज एम्बेरेसिंग बट आई एम नॉट एम्बेरेस्ड. ओके, सो जो नेक्स्ट स्टाइल का टॉप है मैं वो आपको दिखाती हूँ. ये और एक पेप्लम टॉप है, दो इट्स ऑल पेप्लम टॉप, लेकिन दोस्तों मैं आपको सच बताती हूँ तो ये सब पेप्लम टॉप्स अलग अलग तरीके के हैं. ये एक प्रिंटेड टॉप है बट ये इसका जो कॉलर है ये पूरा इधर तक आता है एंड देन इट गोज डाउन टू बीइंग अ पेप्लम टॉप. अगर मैं इसके डिटेल्स के ऊपर आऊँ तो इसके हाथ के ऊपर आप सबसे बड़ा चेंज देखोगे तो इधर पे आप देख सकते हो कि ऐसे एक डिटेल किया हुआ है और ऊपर से यहाँ भी आप इलास्टिक का ये देख सकते हो. जब ये हाथों के ऊपर फॉल करता है तो इधर तक लगता है कि यू हैव अ बॉटल स्ट्रक्चर, बट देन अगेन ये इधर पे ऐसे सिंच्ड हो जाता है और वापस से इधर एक बलून स्ट्रक्चर देता है. अगर मैं इसके बैक में जाऊँ तो ऊपर से यहाँ तक एक जिपर डिटेलिंग है तो इस टॉप को पहनने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी. इसके मटेरियल के ऊपर आओ तो ये जॉर्जेट स्टाइल का मटेरियल है और या फिर ये जॉर्जेट ही है. इसके हाथों में जो इधर डिटेलिंग है उसको ही फॉलो करते हुए इसके वेस्ट में भी आप देख सकते हो ये जो डिटेलिंग है मुझे बहुत ही प्यारा लगा है. नॉर्मली पेप्लम टॉप्स ऐसे ही आके फ्लो हो जाते हैं लेकिन ये स्पेशल एक जो छोटा सा डिटेल है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया. इसके ऊपर आप कोई भी जैकेट लेयर अप कर सकते हो, इसके साथ कोई भी कलर का पैंट पहन सकते हो, जैसे कि बॉटल ग्रीन कलर का पहन सकते हो, डार्क ब्लू कलर का पहन सकते हो, जीन्स पहन सकते हो, ट्राउजर्स पहन सकते हो, स्ट्रेट कट पैंट्स पहन सकते हो, मतलब देर आर अ थाउजेंड वेज इन विच यू कैन स्टाइल दिस टॉप. फाइनली मैंने एक जैकेट लिया है. मेरा बहुत दिनों से मन था कि एक अच्छे से जैकेट के ऊपर मैं इन्वेस्ट करूं लेकिन मुझे नहीं पता था सीरियसली कि इतने सस्ते में मुझे एक जैकेट मिल जाएगा. दिस जैकेट ओनली कॉस्टेड मी 1300 और मैं क्या बताऊँ ये आउटसाइड इजीली मॉल्स में 3-4 हज़ार रुपये तो हो ही जाएंगे. सो दिस इज द जैकेट. आई डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू सी और नॉट बट डेफिनेटली ट्राई ऑन करने के टाइम पे तो आपको अच्छा आइडिया मिल ही जाएगा. तो ये है वो जैकेट, बहुत ही थिक मटेरियल है तो उसके ऊपर यहाँ से आप देख सकते हो एक कॉलर डिटेलिंग है एंड साइड पे ऐसे बटन्स है और यहाँ पे एक पॉकेट भी है विच इज फैब्यूलस. आई जस्ट लव व्हेन जैकेट्स हैव पॉकेट्स. इनसाइड का मटेरियल आप देख सकते हो, ये मटेरियल है जो हर एक ब्लेजर में रहता ही है. एक बमर है इस जैकेट का, वो है कि ये जो बटन्स दिए हुए है ये सामने से बंद नहीं होते हैं, सो दैट इज अ बमर. ये कोई भी ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए आप पहन सकते हो, कोई भी ऑफिशियल आउटिंग्स के लिए आप पहन सकते हो, कोई भी बेसिक आउटफिट को ड्रेस अप करने के लिए भी ये जैकेट आप पहन सकते हो. This jacket can be worn with both ethnic pieces and western wear. तो yes, ये type के jackets आप both style में पहन सकते हो. ये jacket मैंने medium size का लिया हुआ है. ये जो part है ये बहुत अच्छे से मेरे shoulder के ऊपर place होता है. Straight A लाइन का फिटिंग दे रहा है मुझको और मेरे बॉडी स्ट्रक्चर को ब्रॉडन अप नहीं कर रहा है. तो ये थोड़ा सा वॉर्म है तो अगर आप बहुत ही गर्मी में हो, स्वेटी वेदर में हो, देन ये जैकेट आप नहीं पहन पाओगे. इसका मटेरियल है पॉली लिक्रा, दैट इज व्हाट द मटेरियल इज. और अगर आपको ये पॉली लिक्रा का मटेरियल कहीं भी किसी भी जैकेट में मिला हो देन डेफिनेटली ग्रैब इट बिकॉज ये मटेरियल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है. सो गाइज विद दैट आई फिनिश माई हॉल. ये छोटू सा हॉल था लेकिन मुझे ये हर एक पीसेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आए. आई होप यू ऑल्सो लाइक इट. मैंने ये सब आइटम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है. सो यस, आज का वीडियो इधर तक ही दोस्तों. मिलते हैं अगले वीडियो में. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.